बहुत प्यारी लग रही मेरी बहन। अस्सलाम वालेकुम गाइस, एक और ब्लॉग में आपका वेलकम। तो आज का ब्लॉग हमारे रिएक्शन ब्लॉग होने वाला है, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद अपनी जो है दाढ़ी हटाने जा रहा हूँ, क्लीन शेप होने जा रहा हूँ। घर में किसी को नहीं पता, दोस्तों में भी किसी को भी नहीं पता। बहुत काफ़ी टाइम बाद मैंने डिसीजन लिया कि काम करते हैं कि भाई दाढ़ी हटा देते हैं, क्योंकि दाढ़ी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और स्किन भी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि दाढ़ी हटा देते हैं, ज़ीरो कर देते हैं, सिर्फ मुझे नहीं हटाएंगे काम। अभी चलते हैं बाहर, दाढ़ी शेव करवा के आते हैं और उसके बाद घर में और बाकी दोस्तों का रिएक्शन देखते हैं और क्या होता है। कि मैं काफ़ी ज़्यादा वो हूँ, नर्वस हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम बाद दाढ़ी हटाने जा रहा हूँ। उससे पहले मैंने कोई लास्ट एक साल डेढ़ साल पहले दाढ़ी हटाई थी, तब भी ये होता था कि फ्रेंच रख के घूमता था, तब पूरी दाढ़ी नहीं कभी हटाई थी। इस बार पूरी दाढ़ी ज़ीरो करने वाले हम लोग, तो देखते हैं कि कैसे होता है हमारा इस बार दाढ़ी का और कैसे लगते हैं हम। मुझे तो काफ़ी डर लग रहा है, क्योंकि पता नहीं कैसा लिख लूँ भाई पीछे से। चलते हैं अभी। ये तो धोती खोल रहा है। तो भाई अभी हम यहाँ खड़े हैं अब्दुल्ला के घर के बाहर और अभी अब्दुल्ला का रिएक्शन देखना है। कैमरा छुपा के करो, कपिल के सामने। अब देखते हैं अब्दुल्ला का रिएक्शन क्या होगा। मैं सिर्फ उसका रिएक्शन दिखाऊंगा, अपना फेस नहीं दिखा रहा। क्या करवा लिया भाई हमने? अरे अबे ये क्या कर लिया? ओह शिट, अबे ले दिया ले दिया। अरे एकदम अब क्या करेगा फिर? अब क्या मास्क पहन के घूमेंगे अपनी जिंदगी में? अब बस मास्क ही एक सपोर्ट है जो कोरोना के वक्त में हमें पता चला था, वो पहन के घूमेंगे पूरी जिंदगी जूम कर करके। यहाँ पे क्यों है ये निशान? अभी तक ये निशान मेरा बचपन का। ऐसा नहीं लग रहा, बोल दे नहीं लग रहा है ये देख। लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं है, दांतों पे शुक्र अदा कर रहे। लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं है, लड़के जिनकी दाढ़ी नहीं है। अरे भाई तुम दोनों क्लीन शेव हो गया सिर्फ मूंछों के साथ। अच्छा मैम ने एक्सपेक्ट किया था कि तू गंजा हो चुका होगा जब हम आएंगे तेरे पास। माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही मेरी बहन। दाढ़ी के बाल इतने नहीं थे जिसके इतने दाने। सही बात है। खैर वो चल, हमारा ये तो नहीं है ना अब तो बॉडी। मेरा कहाँ है, ये पेट है क्या भाई? सांस अच्छा। क्यों रोक रहे? अब तुम दोनों बॉडी शेमिंग कर रहे हो भाई। खराब थी भाई। तो भाई यही आज का ब्लॉग था, क्लीन शेव हो चुका हूँ मैं। बहुत अजीब सा लग रहा हूँ, एक अलग ही लुक रही हुई है मेरी। मैंने बहुत काफ़ी टाइम बाद अपने आपका से देखा, घर वालों ने भी देखा, घर वाले भी हैरान हो गए। तो मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में इंशाल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय।